दोस्तों, अब तक आपके पास में कितने ही फ्रॉड कॉल आई होंगी और कितने ही लोगों ने स्कैम भी कर दिया होगा कई लोगों के साथ में, लेकिन क्या वो उनका कुछ कर पाए? नहीं कर पाए, जबकि नंबर हाथ में है। मतलब अगर हम किसी का नंबर पा लें तो हम ये कहते हैं कि भैया हम पुलिस स्टेशन में जाके तेरी रिपोर्ट लिखवा देंगे, तुझे पकड़वा देंगे, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि जो आईडी प्रूफ, जो आधार कार्ड वो यूज़ करते हैं इन सिम कार्ड को, नंबर्स को लेने के लिए, वो फेक होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, तो इतनी आराम से उनको पकड़ा जाना होता नहीं है। तो जिसकी वजह से बहुत से लोग आजकल यही करते हैं कि भैया कोई भी किसी का भी आइडेंटिटी कार्ड लेके सिम वगैरह ले लेता है और उसके बाद में अपने यार दोस्तों के साथ में भी मजाक करता रहता है, इधर उधर स्कैम वगैरह भी करता रहता होगा। चलो बेशक से वो फ्रॉड ना करे, स्कैम ना करे किसी के भी साथ में, लेकिन वो यूज़ कर रहा है फेक आइडेंटिटी। वो इसी से कई सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आ जाता है, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, टेलीग्राम के ऊपर आ गया, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया। बेशक से उसका इरादा गलत ना हो, लेकिन वो यूज़ कर रहा है किसी और की आइडेंटिटी, और अब ये एक सजा का हकदार भी बन जाता है बंदा। इसको करीबन 1 साल की जेल हो सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है इसके ऊपर, अगर ये फेक आइडेंटिटी यूज करेगा सिम कार्ड लेने के लिए। ये दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक नया बिल ड्राफ्ट किया है जिसको द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि 1985 वाले पुराने चीज़ें अगर अभी भी चलती रही तो काम होगा नहीं, क्योंकि पहले तार वाले फ़ोन हुआ करते थे, आज सभी के पास में हाई एंड वाले मोबाइल फ़ोन हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं, तो उसी के साथ में भी लॉ में भी थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, तो इसी वजह से इसको लाया गया है। यहाँ पर इस बिल के अंदर साफ साफ बताया गया है कि भैया ऑनलाइन आइडेंटिटी फ्रॉड अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है, तो इस साइबर फ्रॉड को भी रोकने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बिल तैयार किया गया। इसके अंदर सेक्शन 4 सबसेक्शन 7 के अंदर रिक्वायर है कि टेलीकॉम्स यूजर को अपनी रियल आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी सिम लेने के लिए, और अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है जो कि किसी और की आइडेंटिटी यूज करके सिम चला रहा है, देखो घर वालों की आइडेंटिटी यूज कर रखी है, किसी ने अपनी मम्मी की यूज कर रखी है, पापा की यूज करके, वो चलता है, लेकिन किसी दूसरे की ही यूज़ करके बैठे हुए, जिसको जान ना पहचान, उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप अकाउंट बना रखा है, टेलीग्राम पे आ रखे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं हम गलत, तो उसको विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट करेगी, और इसी के साथ साथ उसके बाद में कोर्ट में जब कार्रवाई होगी तो 1 साल तक की मैक्सिमम जेल हो जाएगी और मैक्सिमम 50,000 रुपये का फाइन भी हो सकता है। दोस्तों, बीएड का ट्रेंड इस वक्त में कुछ ऐसा चल रहा है कि सभी को बीएड रखनी है, यहाँ तक कि वो एक्टर जिन्होंने कभी जिंदगी में बीएड नहीं रखी थी आज वो भी बीएड रखकर मूवीज वगैरह बनाते हैं, लेकिन सभी को बीएड अच्छी तरीके से आए ऐसा होता नहीं है। कईयों के साथ में ऐसा होता है कि उनको पैची टाइप की बीएड आती है, मतलब कहीं पर बीएड होती है कहीं पर नहीं होती, खाली जगह रहती है उनकी बीएड की, जिसकी वजह से उनकी बीएड इतनी ज़्यादा अच्छी लगती भी नहीं और उनकी ग्रोथ भी बीएड की इतनी अच्छी तरीके से होती नहीं है। तो इसका एक साइंस बैक्ड सोल्यूशन लेके आए मैन मैटर्स, जो है बीएड मैक्स। इसके अंदर 5% मिनोक्सिड है जो कि आपकी बियर्ड ग्रोथ सीरम की तरह भी काम करेगा। ये परफेक्ट साइंस बेस्ड सॉल्यूशन है जिससे जो आपकी एम्प्टी पैचेस हैं उसको फिल कर देगा ये बियर्ड से, और आपको नई बियर्ड आने लगेगी वहां पर। ये इंप्रूव करेगा आपकी बियर्ड ग्रोथ को, उसकी थिकनेस को और डेंसिटी को भी बढ़ाएगा। लेकिन मिनोक्सिडल का सही यूज करने के लिए आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, वो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। यहां पर मैन मैटर्स के डॉक्टर आपको फ्री ऑनलाइन कंसल्ट करेंगे और वो बताएंगे आपको कि आपको किस तरीके से बीएड मैक्स को यूज करना है। मिनोक्सिडल यहां पर यह काम करेगा कि आपके ब्लड फ्लो को बूस्ट करेगा आपके हेयर फॉलिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपकी बीएड की ग्रोथ काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। इसका रेगुलर 3 से 4 महीने तक यूज करने पर आपको इसके इफेक्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है बीएड मैक्स की, जहां से आप बाय कर सकते हो, और कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहीं पर अगर मैन मैटर्स की बात करते हैं तो वो फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपको दे रहा है, जहां पर आप डॉक्टर से डायरेक्टली बात कर सकते हो अपनी मैन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, और इसी के साथ साथ प्रोडक्ट की लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है विद डिस्काउंट कूपन, तो वहां से आप सस्ते में भी बीएड मैक्स को ले सकते हो। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक गांव के अंदर जिसका नाम है मोहितियांचे वड़गांव विलेज, यहां पर डिजिटल डिटॉक्स किया जा रहा है लोगों को। शाम के 7 बजे के बाद में सभी को मना कर दिया जाता है कि फोन यूज करना बंद कर दो और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, आपके टीवी हो गया, इन सभी को बंद कर दिया जाना चाहिए शाम के 7 बजे के बाद में, और घर घर
घर जाके लोगों को समझाया जाता है, आशा वर्कर द्वारा, आंगनवाड़ी वाले वर्कर द्वारा और ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा कि भैया ऐसा मत करो, अब पंचायत सीरियल बहुत देख लिया तुमने, थोड़ा सा अलग करो। दरअसल क्या हुआ कि जब कोविड के बाद में स्कूल वगैरह खुले तो बच्चों का ना रीडिंग में ना राइटिंग में ध्यान था और स्कूल के बाद में बस मोबाइल में ही लगे रहते थे, पबजी और कौन सी फ्री फायर एक ये गेम, तो इन सभी के चक्कर की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई पर थोड़ा सा असर पड़ा, जिसकी वजह से गाँव वालों ने ये फैसला लिया यहाँ पर। लेकिन एक बात देखने वाली होगी कि सारा दिन काम करने के बाद में जब शाम का टाइम मिलता है थोड़ा सा, तो उसी टाइम पर लोग चाहते हैं कि भैया हम थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लें, थोड़ा बहुत टी वी देख लें, क्योंकि सीरियल भी जो प्राइम टाइम होता है वो 8 से 10 का होता है, उस टाइम ना देखें ऐसा तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते हैं कैसा होता है इनका काम। सो फाइनली दोस्तों 5G इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, जिसके लॉन्चिंग इवेंट के अंदर मुकेश अंबानी भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बताया कि इंडिया किस तरीके से 5G को रोल आउट कर रही है और इंडिया बेशक से लेट स्टार्ट करी है दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में, लेकिन फिनिश सबसे पहले करेगी। यहाँ पर कई सारी सिटीज़ को कवर किया जाएगा, जहाँ पर मेजर सिटीज़ होगी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुड़गांव और हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे और भी कई सारी सिटीज़ को ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन शुरुआत इनसे की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मोदी जी भी आए हुए थे इस इवेंट के अंदर, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बातें बातें करी, भाषण वाषण दिए और इसी के साथ साथ आकाश अंबानी अपने घर का ही लड़का, उसने ब्रीफ किया मोदी जी को कि भैया किस तरीके से 5G कनेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी इंडिया के अंदर। और इसी के साथ साथ मोदी जी ने लॉजिटेक G29 के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर 5G कनेक्शन के साथ में स्वीडन में खड़ी कोई कार को रिमोटली कंट्रोल किया, उसको चला रहे थे। सो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने 5G की, लेकिन अब थोड़ी सी आयरनी की बात कर लेते हैं। जो सरकारी कंपनी है BSNL, वो 16,000 करोड़ की एक 4G डील अब फाइनलाइज करने वाली है। ये 4G के ऊपर है और वहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ 5G की तैयारियाँ कर रही हैं, इवेंट चल रहे हैं, लॉन्चिंग इवेंट। और यहाँ पर दोस्तों टेस्ला ने अपने हर साल होने वाले AI इवेंट के अंदर, पिछले साल तो इन्होंने अपना ह्यूमनॉइड रोबोट बता दिया था और इस साल दिखा भी दिया है, थोड़ा बहुत चला चलू के दिखाया, जो कि इनका ऑप्टिमस प्रोजेक्ट है। और ये खैर इतना ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं लगा, अभी बहुत शुरुआती प्रोटोटाइप ही है। जिस तरीके से चल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे 100 साल का इंसान चल रहा हो कांप कांप के। इसको इन्होंने कहा है कि ये $20,000 से कम में भी बेचेंगे, हालांकि जिस तरीके की शेप दिखाई गई थी हमें अलग अलग फोटोज में इवेंट वगैरह में कि भैया इस तरीके का होगा उस तरीके का होगा, लेकिन ये निकला कुछ और ही, सारे तार वार इसके नशे वसे सब बाहर निकली हुई हैं। लेकिन हाँ, जब कवर ओवर कर दिया जाएगा तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा, क्योंकि अभी तो प्रोटोटाइप स्टेज के अंदर ही। लेकिन बहुत कुछ बोलना है इस रोबोट के बारे में मुझको, क्योंकि Xiaomi ने भी अपना दिखाया था, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगी जो कि शायद कल आएगी।